अपने आसपास की ताजा तरीन खबरें सबसे पहले देखने के लिए सब्सक्राइब कीजिए डेली न्यूज झारखंड और घंटे के बेल आइकन दबाना ना भूलें। नमस्कार, डेली न्यूज झारखंड में स्वागत है आपका। मैं हूं इम्तियाज अंसारी, प्रस्तुत है समाचार। बोकारो जिला ब्यूरो जे एम रंगीला की रिपोर्ट। गोमियो रेलवे स्टेशन के निर्माण की गुणवत्ता की हो जांच, राकेश कुमार। ढलाई के 2-3 महीने बाद ही धस गया निर्माणाधीन शौचालय टैंक। CPIM के गोमियो प्रखंड सचिव राकेश कुमार ने पूर्व मध्य रेलवे के महाप्रबंधक को लिखा पत्र। उन्होंने कहा कि धनबाद रेल मंडल के अंतर्गत गोमियो रेलवे स्टेशन के निर्माण में भारी अनियमितताएँ सामने आ रही हैं। उन्होंने पत्र लिखकर इसकी उच्च स्तरीय जांच व गुणवत्तापूर्ण स्टेशन निर्माण की मांग की है। उन्होंने मध्य रेलवे के महाप्रबंधक को पत्र लिखकर कहा कि गोमियो रेलवे स्टेशन में स्टेशन परिसर, प्लेटफॉर्म, शौचालय, शेड आदि का निर्माण कार्य पिछले वर्ष से ही चल रहा है। इसके निर्माण में घटिया सामग्री का इस्तेमाल हो रहा है एवं गुणवत्ता को ताक में रखकर निर्माण कार्य चलता आ रहा है, जिसकी शिकायत 4 फरवरी 2021 को धनबाद रेल मंडल के मंडल प्रबंधक को पत्र लिखकर किया गया था, परंतु 3-4 महीने बीत जाने के बाद भी इस पर कोई कार्रवाई नहीं होती दिखी और उसी तरह घटिया सामग्री का इस्तेमाल कर एवं गुणवत्ता को ताक पर रखकर स्टेशन का निर्माण कार्य चलता रहा। नतीजा यह हुआ कि वर्तमान में कुछ ही दिन पूर्व प्लेटफॉर्म नंबर 3 के बगल में निर्माणाधीन शौचालय का टैंक ढलाई के 2-3 महीने बाद ही धस गया। गनीमत रही कि यहाँ निर्माणधीन शौचालय चालू होने के बाद दशा नहीं तो जान माल की भी क्षति हो सकती थी। निर्माणाधीन शौचालय के टैंक धंसने से यह बात साबित हो गई है कि स्टेशन निर्माण के कार्य में घटिया सामग्री का इस्तेमाल किया जा रहा है एवं गुणवत्ता को दरकिनार कर स्टेशन निर्माण कार्य चलाया जा रहा है। उन्होंने मांग की है अविलंब कमेटी गठित कर इसकी जाँच की जाए एवं गुणवत्तापूर्ण स्टेशन का निर्माण करवाया जाए। धन्यवाद। गोमिया रेलवे स्टेशन में स्टेशन निर्माण का कार्य पिछले दिनों से चल रहा है। उस स्टेशन के निर्माण कार्य में घटिया सामग्री का उपयोग हो रहा है और गुणवत्ता को ताक पर रखा जा रहा है। हमने इसकी शिकायत पिछले दिनों फरवरी माह में धनबाद रेल मंडल के मंडल प्रबंधक को की थी, परंतु 2-3 महीने बीत जाने के बाद भी इस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। नतीजतन आज कुछ ही दिनों के पूर्व गोमिया रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर 3 के बगल में शौचालय का निर्माण हो रहा था। उस शौचालय के निर्माणाधीन टैंक जो जिसकी ढलाई 2-3 महीने पहले ही हुई थी, आज कुछ दिनों पूर्व वह धस गया। गनीमत है कि शौचालय शुरू होने के बाद यह नहीं धसा, अन्यथा जान माल की क्षति भी हो सकती थी। हमने पत्र लिखकर पूर्व मध्य रेलवे के महाप्रबंधक को इसकी शिकायत की है और हमने मांग किया है कि घटिया सामग्री से गोमिया रेलवे स्टेशन का निर्माण कार्य जो चल रहा है, इसकी कमेटी गठन कर जांच की जाए और स्टेशन के निर्माण में गुणवत्ता को बहाल करने की का प्रयास किया जाए। धन्यवाद।